Hello dear students, so today we are going to talk about the cyclic structure of glucose and fructose. This is Himanshu from PrepTab and let's start. देखो यार glucose का जो structure है उसमें aldehyde group होता है और 5 hydroxy groups होते हैं. Aldehyde group है तो जो भी aldehyde के test है वो उसको देने चाहिए. That means अगर हम इसको 2,4 DNP के साथ treat करें तो ये orange precipitate देना चाहिए. अगर हम इसको शिफ्ट बेस के साथ ट्रीट करें तो ये मेजेंटा कलर का प्रेसिपिटेट देना चाहिए. एंड अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डेट मीन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो एल्डिहाइड में उसका एडिशन हो जाता है जिस वजह से एक इनसॉल्युबल वाइट कलर की प्रेसिपिटेट आती है. ये सारी रिएक्शंस एल्डिहाइड शो करते हैं. बट जब ग्लूकोज के साथ ये सब रिएक्शन की जाती है तो इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं मिलता. तो दिस क्रिएट्स अ डाउट कि यार ग्लूकोज में तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्यों नहीं दे रहा. सेकंड, जब हम ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज को हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो व्हाट यू गेट इज यू गेट एन ऑक्साइम. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट पार्ट. अब ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं. जब हम इनको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो पेंटा एसिटेट बनता है. पेंटा एसिटेट मतलब 5 एसिटेट ग्रुप्स लग जाते हैं. एल्डिहाइड इसमें एज इट इज है. जब हम इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन. तो पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन. तो इससे क्या समझ आ रहा है कि यार ये जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है ये एब्सेंट है. देयर इज नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप. ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज जो है एक्वस मीडियम में वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जहां पे कि उसका एल्डिहाइड ग्रुप गायब हो जाता है और कुछ और बन जाता है. कैसे? सी गाइस, ये रहा आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जिसमें कि 6 कार्बन है. 1, 2, 3. थर्ड कार्बन जो है वो एबनॉर्मल हाइड्रोक्सी ग्रुप है उस पे जो कि लेफ्ट साइड पे आता है. बाकी सभी पे राइट साइड पे हुआ जा रहा है. 4, 5 and 6 छह कार्बन है. फर्स्ट कार्बन इज योर एल्डिहाइड कार्बन. इतने सारे एल्कोहल है और एल्डिहाइड ग्रुप है. तो एल्कोहल जब एल्डिहाइड या कीटोन में ऐड होता है व्हाट डू यू गेट? यू गेट अ हेमी एसिटल, राइट? एक एल्कोहल अगर ऐड होगा तो हेमी एसिटल बनेगा. तो फिफ्थ कार्बन का जो ये ऑक्सीजन है ये आपका अटैक करता है इस एल्डिहाइड ग्रुप पे और इसको ब्रेक कर देता है डबल बॉन्ड को जिससे कि वो OH बन जाता है. तो एक साइक्लिक फॉर्म बनती है बिटवीन फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड का और फिफ्थ कार्बन के ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं. जैसे कि आप यहां नीचे देख सकते हो ये साइक्लिक फॉर्म है. 6 मेंबर की रिंग बन गई. 6 मेंबर की कैसे? 5 कार्बन है एंड 6th ये ऑक्सीजन है. 6 मेंबर, तो ये 6 मेंबर रिंग बन गई विच इज सिमिलर टू योर पायरानोज. पायरान जो होता है उसके सिमिलर है इसीलिए ये बनी. अब ये जो एल्कोहल है फिफ्थ कार्बन का ये दो तरह से अटैक कर सकता है. अब ऊपर से आके और नीचे से आके, ठीक. तो फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो दो तरीके से हो सकता. ये फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन आके इसमें जुड़ गया. दो कॉन्फिग्रेशन अब यहाँ पे पॉसिबल है. एक है कि यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड है और OH नॉर्मल साइड पे है यानी कि राइट साइड पे. दूसरा कॉन्फिग्रेशन क्या हो सकता है कि आपका H इधर आए और OH इधर आए. दिस इज बिकॉज क्योंकि आपका OH जो है ऊपर से और नीचे से दोनों तरह से अटैक कर सकता है. तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये फर्स्ट कार्बन था एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कायरल सेंटर. दूसरी चीज, कायरल सेंटर है लेकिन दोनों जो स्ट्रक्चर बने उनमें उस कार्बन की कॉन्फिग्रेशन अलग अलग है क्योंकि H और OH की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है. तो क्योंकि कार्बोनिल वाले कार्बन की कॉन्फिग्रेशन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में अलग है इनको बोलते हैं एनोमर्स. एनोमर्स क्या होते हैं? जहां पे कार्बोनिल कार्बन की कॉन्फिग्रेशन अलग हो. तो अगर एल्कोहल नॉर्मल साइड पे है राइट साइड पे तो उसको बोलते हैं अल्फा और अगर एल्कोहल एबनॉर्मल साइड पे तो उसको बोलते हैं बीटा. ऑल राइट,
साइक्लिक फॉर्म्स भी देख लेते हैं। साइक्लिक फॉर्म में नॉर्मली आप कैसे ड्रॉ करते हो ये समझो। अगर अल्कोहल राइट साइड पे है, मतलब नॉर्मल साइड पे है, तो आप उसको नीचे ड्रॉ करते हो, और अगर एबनॉर्मल साइड पे तो आप उसको ऊपर ड्रॉ करते हो। व्हाट डू आई मीन? पहले हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन को ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट को बाद में देखेंगे। सेकंड कार्बन पे OH कहाँ है? राइट साइड, तो इट विल कम डाउन। H कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा। आप चाहो तो उसे ड्रॉ करो, नहीं भी ड्रॉ करो ये फाइन है। फिर थर्ड कार्बन पे एबनॉर्मल है, तो OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। गॉट इट? नाउ फोर्थ पे इट्स नॉर्मल, सेम वे में ड्रॉ कर दिया। फिफ्थ कार्बन का जो एल्कोहल था यार, वो तो हेमी एसिटल बनाने चला गया, वो तो एल्डिहाइड से जुड़ गया, और क्या बचा है? ये CH2OH बचा है, इसको लगा दो। ठीक है, अब अल्फा और बीटा फॉर्म साइक्लिक में कैसे दिखते हैं? अल्फा में OH राइट साइड पे आता है, राइट, तो वो नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे आप नॉर्मल, तो दिस विल बी अल्फा फॉर्म अगर ये नीचे आ रहा है। एनोमर्स हैं तो बीटा में इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, इसमें OH ऊपर आएगा और हाइड्रोजन नीचे आएगा। ठीक है, अगर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ रहा है, दैट मींस ये एल्डिहाइड ग्रुप था जो कि अब हेमी एसिटल बन गया। अल्फा और बीटा इस कार्बन के OH से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दीज आर द टू साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज जिसमें कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप हेमी एसिटल बन जाता है, उस वजह से आपको उसके टेस्ट नहीं मिलते हैं। फाइन गाइज, ये आपके लिए एक होमवर्क है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ काइरल सेंटर्स, स्टीरियो सेंटर्स विच आर प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो लीनियर स्ट्रक्चर मतलब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये दिया हुआ है। काइरल सेंटर गिनो कितने हैं, एंड दिस इज योर क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें गिनो कितने हैं। ओके, सो दिस आई एम गिविंग टू यू एज होमवर्क। डू शेयर योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन विद मी, ऑलराइट? ओके, नाउ कमिंग टू फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में यू हैव अ कीटोन ग्रुप जो कि आपकी ओपन चेन में होता है, बट फ्रक्टोज सेम एज ग्लूकोज उसको साइक्लिक फॉर्म में चला जाता है। वो भी कैसे जाता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप देखो तो कीटोन सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन। फिफ्थ कार्बन का एल्कोहल उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, डबल बॉन्ड तोड़ के उसे OH बना देगा। ठीक, तो अगर हम साइक्लिक फॉर्म बनाएं तो पहले तो कीटोन से बन गया कीटल, ऑन एडिशन ऑफ एल्कोहल यू गेट अ कीटल। अगेन सेकेंड कार्बन की कॉन्फिग्रेशन दो टाइप से हो सकती है, एक अगर ऊपर से अटैक हो, दूसरा अगर नीचे से अटैक। तो आपको एक बार OH राइट साइड पे मिल सकता है और एक बार OH लेफ्ट साइड पे मिल सकता है। दूसरा क्या बचा? सिंस इट्स अ कीटोन तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता कार्बन पे। क्या है ये? फर्स्ट वाला कार्बन अभी हमने ड्रॉ नहीं किया, इट इज CH2OH, तो ये आप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ हाइड्रोजन नहीं। ठीक, अगर ये नॉर्मल साइड पे तो दिस इज अल्फा, एंड एबनॉर्मल साइड पे सो दिस इज बीटा फॉर्म। ये एनोमर्स हैं क्योंकि कॉन्फिग्रेशन आपकी सेकेंड कार्बन जो कि आपका कीटो वाला कार्बन था उसके अराउंड ही चेंज हो रही है, बाकी सब एज इट इज है। ठीक, नाउ इफ वी सी द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज टू, तो जॉइनिंग किसके बीच में हो रही है? सेकेंड कार्बन जो कि कीटो था एंड ऑक्सीजन ऑफ फिफ्थ कार्बन, राइट? तो थर्ड फोर्थ ये एज इट इज। पहले हम OH और H ग्रुप्स को बना लेते हैं फटाफट। थर्ड कार्बन एबनॉर्मल होता है तो उस पर OH ऊपर आता है, H नीचे आता है। फोर्थ कार्बन नॉर्मल है, बना लिया। फिफ्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो तो कीटोन के साथ चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। ठीक, अब बात है सेकेंड कार्बन की। अगेन अप्लाई द सेम रूल, अगर अल्फा होगा तो वो नॉर्मल साइड पे आ रहा है, मतलब OH नीचे आएगा, और अगर बीटा होगा तो इसमें OH ऊपर आएगा। अब गाइज ये 5 मेंबर की ही रिंग बन रही है, सिमिलर टू फ्यूरान। 5 मेंबर की रिंग क्यों बन रही है? क्योंकि कीटोन जो वो सेकेंड कार्बन था। और क्या लगा हुआ है? क्या सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन आएगा? नहीं, बिकॉज इट इज अ कीटोन नॉट एन एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका CH2OH है
जो आपका फर्स्ट कार्बन है. सो दिस इज योर फर्स्ट कार्बन गाइस. ओके सो दीज आर द साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. नाउ अगेन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन वॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज. डोंट फर्गेट टू डाउनलोड आर ऐप. आई विश यू गुड लक. ऑल द बेस्ट.